जब भी आप कभी एक्सरे करने जाते हैं तो वहां पे आपको एक फोल्डर के साथ रखा जाता है, उसके बाद वहां से फोटो उठाई जाती है और आपको एक्सरे दिया जाता है। उस फोल्डर को कहते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है यह रेडियोग्राफिक कैसेट, इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जिसकी मदद से हमें ये फिल्म दी जाती है, हमें ये एक्सरे दिया जाता है। माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफिक कैसेट, फिल्म एंड स्क्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम कैसेट पे आते हैं। अ कैसेट इज अ लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर, यानी जो कैसेट होती है ये लाइट प्रूफ होती है, इसमें कोई भी लाइट नहीं जाती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यानी कि दो स्क्रीन और एक फिल्म होती है। अ कैसेट इज अ लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर कंटेनिंग टू स्क्रीन एंड ए फिल्म। ठीक, इसमें दो स्क्रीन होती है और एक फिल्म होती है। इसमें लाइट्स होते हैं बैक साइड से, इनकी क्लिप्स होती हैं बैक साइड से, जिसकी वजह से हम ये ओपन कर पाते हैं, और जो फ्रंट साइड होता है वो प्लेन होता है। इसका जो बैक साइड होता है वो हाई एटॉमिक नंबर से बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल लेड से बना हुआ होता है, ताकि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो मिनिमम हो जाए। और इसका जो फ्रंट साइड होता है वो लो एटॉमिक नंबर से बना हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन या फिर प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ताकि जो एक्सरेज है वो इजीली फ्रंट साइड से पास हो जाए, और जो बैक साइड होता है वो हाई एटॉमिक नंबर से बना होता है, ताकि एक्सरेज दूसरी तरफ से ना निकले, यानी कि रेडिएशन जो है दूसरी तरफ से ना निकले और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो मिनिमम हो जाए। इस कैसेट में एक विंडो होती है जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, और उसी विंडो के साथ में एक बार कोड होता है जिसको हम फिर रीडर में स्कैन करते हैं। इसमें जो दो स्क्रीन्स होती हैं उनको कहते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, यानी कि दो स्क्रीन्स जो होती हैं इसमें फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से, उसको कहते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। और उन्हीं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के बीच में फिल्म होती है। हमारी जो फिल्म होती है वो दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के बीच में होती है। ये जो दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स होती है इनकी जो थिकनेस होती है वो बराबर भी हो सकती है और बराबर भी नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इनकी जो थिकनेस है वो बराबर हो। इस कैसेट में कंप्रेहेंसिव मटेरियल्स डाले जाते हैं, सच एज रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम जो होता है इसमें डाला जाता है, जिसकी मदद से जो फिल्म होती है उनका जो इंटैक्ट होता है स्क्रीन्स के साथ वो टाइट हो जाता है, जिसकी मदद से हमें आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं, यानी कि एरर्स नहीं आते हैं, और जो हमारी इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है कंप्रेहेंसिव मटेरियल्स की मदद से। जो कौन होते हैं रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फॉर्म होता है जो कि इस कैसेट में भरा जाता है, ताकि जो फिल्म और स्क्रीन का जो कनेक्शन है, यानी कि कनेक्शन इन बिटवीन स्क्रीन एंड फिल्म हो, वो बहुत ही टाइट हो जाए, उसमें कोई भी आर्टिफैक्ट ना आए, और जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आ जाए। इन फिल्म्स को लोड किया जाता है डार्क रूम में। डार्क रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें सिर्फ सेफ लाइट होती है और कोई भी लाइट नहीं होती है। इस डार्क रूम के बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये जो फिल्म्स होती हैं ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, फॉर एग्जांपल 8x10, 10x12, 14x14 एंड 14x17। इनका जो साइज है वो इंचेस में होता है। तो यहां तक हमें यह समझ आया, ये जो कैसेट होती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल दो स्क्रीन्स होती है, एक फिल्म होती है एंड कंप्रेहेंसिव मटेरियल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती है ये क्या होती है, जैसा कि आपको पता है जो एक्सरे फिल्म होती है वो उतनी सेंसिटिव नहीं होती है टुवर्ड्स दी एक्सरेज, यानी कि एक्सरेज की तरह ये उतनी सेंसिटिव नहीं होती है। जब भी इस पर एक्सरेज पड़ते हैं तो ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, यानी कि अगर हमें अच्छी इमेज चाहिए तो इसमें ज्यादा एक्सरेज, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज हमें डालने हैं। लेकिन जब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज इसमें डालेंगे तो ये पेशेंट डोज जो है वो इंक्रीज कर देगा। इस चीज को कम करने के लिए हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करते हैं। कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है, जब भी एक्सरे फोटॉन्स पड़ते हैं इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे तो ये अब्सॉर्ब करते हैं इन एक्सरे फोटॉन्स को और इमिट करते हैं विजिबल लाइट। क्या करती है, इमिट विजिबल लाइट इमिट करती है, जिसकी मदद से जो एक्सरे फिल्म होती है ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और हमारा जो पेशेंट डोज है वो कम रहता है,
और फिर हमें बहुत ही अच्छी यानी कि जो क्वालिटी होती है इमेज की वो बहुत ही अच्छी दे देती है ये इंटेंस बैंक स्क्रीन। यानी कि ये जो इंटेंस बैंक स्क्रीन होती है ये पेशेंट डोज को कम करती है और इमेज क्वालिटी को ये बढ़ा देती है, इसलिए इनको यूज किया जाता है रेडियोग्राफिक कैसेट में। इस इंटेंस बैंक स्क्रीन में 4 लेयर्स होते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहली लेयर पढ़ते हैं। इस पहली लेयर का नाम क्या है? बेस। ये बेस जो होती है ये पॉलिएस्टर से बनी हुई होती है और इसकी थिकनेस जो होती है वो 1 mm होती है। बेस इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर विद ए थिकनेस ऑफ 1 mm। ये जो बेस होती है इस पे और भी 3 लेयर्स को माउंट किया जाता है। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव लेयर, उसके बाद फॉस्फर और उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर। इन सब लेयर्स को इसी बेस पे माउंट कर दिया जाता है। ये जो बेस होती है ये मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, रेडिएशन से इसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, केमिकल इनर्ट होना चाहिए यानी कि केमिकली इनर्ट एंड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और रेडिएशन से कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए इस बेस को, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरी लेयर पे जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है ये व्हाइट सब्सटेंस से बनी हुई होती है, या तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनी हुई होती है। ये एक शाइनी मटेरियल होता है। ये जो मटेरियल होता है व्हाइट सब्सटेंस होता है ये शाइन करता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 25 μm होती है। थिकनेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग लेयर कितनी होती है? 25 μm इसकी थिकनेस होती है। इसका काम क्या होता है इस रिफ्लेक्टिंग लेयर का? ये लाइट को पुश करती है यानी कि रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स द फॉस्फर, जो हमारी थर्ड लेयर होती है उसकी तरफ ये लाइट को पुश करती है और जो एफिशिएंसी ऑफ इंटेंस बैंक स्क्रीन है वो बढ़ा देती है। कैसे? एक तो लाइट को आइसोट्रॉपिक बना देती है और फिर जो लाइट फोटॉन्स होते हैं उनको डबल कर देती है ये रिफ्लेक्टिंग लेयर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड लेयर पे जिसका नाम है फॉस्फर। ये जो फॉस्फर होता है ये क्रिस्टल्स ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट से बना हुआ होता है जो कि इमिट करते हैं लाइट जैसे ही इसको एक्सरेज पड़ते हैं, यानी कि जैसे ही फिल्म को एक्सपोज किया जाता है ये इमिट कर देता है लाइट उसी टाइम। इसकी जो थिकनेस होती है यानी कि फॉस्फर की जो थिकनेस होती है वो फ्रॉम 50 to 300 μm होती है। यानी कि पूरे फॉस्फर की कितनी थिकनेस होती है? फ्रॉम 50 to 300 μm विद ए इंडिविजुअल क्रिस्टल थिकनेस। यानी कि जो इंडिविजुअल क्रिस्टल थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 5 to 15 μm इंडिविजुअल क्रिस्टल थिकनेस होती है। जो कॉमनली यूज्ड फॉस्फर होता है उसमें या तो कैल्शियम टंगस्टेट होता है या फिर जिंक कैडमियम सल्फेट होता है, सीजियम आयोडाइड एंड बेरियम स्टोरियम सल्फेट से बना हुआ होता है ये हमारा फॉस्फर। ये जो फॉस्फर होता है इसको हीट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए या फिर ह्यूमिडिटी से भी इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए या फिर और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उनसे इस फॉस्फर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ यानी कि लास्ट लेयर पे जिसका नाम है प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? ये ट्रांसपेरेंट लाइट कोटिंग होती है, यानी कि इसमें जो लाइट है वो इजिली पास हो जाती है, रेडिएशन जो है वो इजिली पास हो जाती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो फ्रॉम 10 to 20 μm होती है इसकी थिकनेस। इसका काम क्या होता है? एक तो इससे इजिली हैंडल किया जाता है फिल्म को, सरफेस को ये क्लीन रखती है, इलेक्ट्रिसिटी को ये स्टैटिक रखती है और ये इंफॉर्मेशन और मटेरियल जो इसके इनसाइड होता है उसको प्रिवेंट करती है ये प्रोटेक्टिव लेयर। द टोटल थिकनेस ऑफ द इंटेंस बैंक स्क्रीन, जो इंटेंस बैंक स्क्रीन है उसकी जो टोटल थिकनेस कितनी होती है? 1.15 to 1.3 mm। 1.15 to 1.3 mm इस इंटेंस बैंक स्क्रीन की टोटल थिकनेस होती है। तो यहाँ तक हमें क्या समझ आया? जब भी फ्रंट साइड से एक्सरेज आते हैं यानी कि फ्रंट सरफेस से जैसे एक्सरेज आते हैं तो फिर जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो इमिट कर देती है लाइट और जो इन एक्सरे फोटॉन्स को है इनको कहाँ भेज देती है? फॉस्फर पे। फॉस्फर भी इमिट कर देता है लाइट और इन सारे फोटॉन्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द लाइट, यानी कि विजिबल लाइट में इन सारे फोटॉन्स को कन्वर्ट किया जाता है। कुछ फोटॉन्स एक्सरे फोटॉन्स जो बैक साइड चले जाते हैं, लेकिन बैक साइड भी इंटेंस बैंक स्क्रीन होती है जिसकी मदद से ये जो सारे फोटॉन्स होते हैं वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं
और 95% ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स जो हैं वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें अच्छी फिल्म आ जाती है, यानी कि अच्छी लेटेंट इमेज आ जाती है। ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन सारे एक्स-रे फोटॉन्स कन्वर्ट करते हैं इनटू द विजिबल लाइट, ये दो कलर्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। क्यों? जो एक्स-रे फिल्म होती है वो सेंसिटिव होती है, ब्लू एंड ग्रीन कलर को ये सेंसिटिव होती है, जिसकी मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज हो जाती है और हमें अच्छी शार्प इमेज आ जाती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है फिल्म। ये जो फिल्म होती है ये दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में होती है। जो ये एक्स-रे फोटॉन्स होते हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू विजिबल लाइट, यानी कि एक्स-रे फोटॉन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू विजिबल लाइट, ताकि ये ह्यूमंस जो है वो इसको इजीली देख सकते हैं और इसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। ये जो ये काम करता है, जो डिवाइस ये काम करता है, उसको कहते हैं इमेज रिसेप्टर, जो इस एक्स-रे फोटॉन को कन्वर्ट कर देता है इनटू विजिबल लाइट, ताकि ये ह्यूमन आई अच्छे से देख सकें। इसको कहते हैं इमेज रिसेप्टर। ये एक्स-रे फिल्म भी हो सकती है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी हो सकती है, या फिर सॉलिड स्टेट डिवाइस भी हो सकता है। इन सब को कहते हैं इमेज रिसेप्टर। इसमें भी फोर लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहली लेयर आती है बेस। ये बेस क्या होती है? इस बेस के ऊपर इमल्शन को कोट किया जाता है, यानी कि इमल्शन को माउंट किया जाता है इस बेस के ऊपर, और ये रिजिड सपोर्ट देती है इस इमल्शन को। ये इमल्शन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये जो बेस होती है ये इजी हैंडलिंग होनी चाहिए, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होना चाहिए वायल हैंडलिंग, यानी कि इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, किंकिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ये यूनिफॉर्म ल्यूसेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, ताकि इसमें इमेज डिस्टॉर्शन ना हो। ये जो बेस होती है ये पॉलिस्टर से बनी हुई होती है। इसकी जो थिकनेस होती है इनर थिकनेस वो 175 μm इसकी थिकनेस होती है, और इसको ऐड किया जाता है डाई से, यानी कि डाई इसको ऐड की जाती है ताकि ब्लू लग जाए, यानी कि दिखने में ब्लू जैसी लग जाए, इसका कलर जो है वो ब्लू लग जाए, और इसको कहा भी जाता है ब्लू टिंटेड, इसको कहा जाता है, जिसकी मदद से आईज में कोई भी डैमेज नहीं होता है जब भी हम एक्स-रे फिल्म को देखते हैं, और ये डायग्नोस्टिकली बहुत ही ईजी हो जाता है इसको डायग्नोज करना। और ये एक्स-रे फिल्म जो है ये सेंसिटिव होती है टू द ब्लू कलर। इसके बाद आती है सेकंड टाइप ऑफ लेयर, जिसको कहते हैं एडहेसिव लेयर। ये जो एडहेसिव लेयर होती है ये इन बिटवीन बेस एंड इमल्शन होती है, एक थिन कोट होता है जो बिटवीन बेस एंड इमल्शन होता है, ताकि ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में रहे, प्रॉपरली रहे, और वायल प्रोसेसिंग ईजिली प्रोसेस हो जाए, कोई भी किंकिंग या फिर कुछ और डैमेज ना हो। इसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ लेयर पे, जिसका नाम है इमल्शन लेयर। ये जो इमल्शन लेयर होती है ये 3 to 5 mm थिंक होती है। इसको कोट किया जाता है ऑन द एडहेसिव लेयर। इसमें कोट किया जाता है ऑन द एडहेसिव लेयर, इसमें कोट किया जाता है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक को कहते हैं ग्लेटिनम और दूसरा होता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स इसमें होते हैं। ये जो ग्लेटिनम होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है टू द लाइट, लाइट से ट्रांसपेरेंट होता है, और ये सपोर्ट कर देता है किसको, सिल्वर हैलाइड को, ये सपोर्ट कर देता है ताकि ये प्रॉपरली रहे। सिल्वर हैलाइड में जो सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं वो 98% होते हैं, और सिल्वर आयोडाइड जो होते हैं वो 2% होते हैं। इसमें जो ब्रोमीन और आयोडीन होता है वो ऑन द सरफेस प्रेजेंट होता है, और जो सिल्वर होता है वो इनसाइड द क्रिस्टल होता है। ज्यादातर इंट्रैक्शन जो है वो ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ, यानी कि सबसे लास्ट लेयर पे, जिसका नाम है ओवर कोट। ये जो ओवर कोट होता है इसको ग्लेटिनम के ऊपर कवर किया जाता है, ताकि ये प्रेशर से बच जाए जो फिल्म है, ये डैमेज से बच जाए, स्क्रैच से बच जाए, और कंटेनमेशन से बच जाए, यानी कि प्रोटेक्ट हो जाए। तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डार्क रूम के बारे में, और मे बी उसी में हम टाइप्स ऑफ फिल्म्स भी पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।